Hello students, welcome to the web classes. This is Sachikant sir welcoming you again to the online classes. So hum dekhne wale hain aaj subject accounts for the 12th standard English medium. Unit number 1 of part 2, the name of chapter is accounting of share capital. This is lecture number 58. So far we had completed till illustration number 15. Now from today we are going to start illustration number 16 and so on. So Badre's Diamond Limited of Surat issued 3 lakh equity shares of 10 per share, amount called up on application 3 per share, on allotment 2.5 per share, on first call at 2.5 per share and final call 2 rupees per share. Okay, applications were received from public for 4,56,000 shares. Amount of 3 lakh shares वॉज मेड प्रो रेटा टू 450, मतलब जिन्होंने 4,50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 3 लाख शेयर इश्यू किए गए, मतलब 1,50,000 शेयर जो है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा. ठीक है, वो अलॉटमेंट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा. आगे एप्लीकेंस, ओके, एप्लीकेशंस फॉर 6,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड. ओके, 6,000 शेयर रिजेक्ट किए गए, मतलब उनको पैसा वापस दे दिया गया. फुल अमाउंट वर रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट फ्रॉम अ शेयर होल्डर नेम दक्षा. दक्षा हु वॉज अलॉटेड 600 शेयर्स डिड नॉट पेड फाइनल कॉल मनी, हर शेयर वर फोरफिटेड. टोटल शेयर्स ऑफ दक्षा वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप एट 9 पर शेयर. पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द अबोव ट्रांजेक्शन. अब देखिए, सबसे पहली एंट्री जो है वो तो आप जानते हो कि बहुत ही सिंपल सी एंट्री होती है. पहली एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. हमें कितने एप्लीकेशन मिले, सो हमें जो है 4,56,000 एप्लीकेशन मिले 3 रुपीज़ पर एप्लीकेशन के हिसाब से. तो एंट्री होगी पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,56,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज़ पर शेयर 13,68,000 एंड 13,68,000. अब ये पैसा जो है वो रिस्पेक्टिव जगह पर ट्रांसफ़र होगा, तो ये हो जाएगा डेबिट. सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 13,68,000, जिसमें कैपिटल में जाएंगे फेस वैल्यू और ओरिजिनल इश्यूड शेयर. तो फेस वैल्यू है 3 रुपये और ओरिजिनली हमने 3 लाख शेयर इशू किए थे. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9 लाख रुपीज़. इज दैट क्लियर. नाउ जो 1,50,000 शेयर्स आपको बात की थी मैंने कि 1,50,000 जो हमें एडिशनल मिला हुआ है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे अलॉटमेंट में. तो ये चला जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000 शेयर्स इंटू 3 इज इक्वल 4,50,000 शेयर्स. इज दैट क्लियर. नाउ और जो 6,000 शेयर जिनको हमको पैसा रिटर्न करना है उसके लिए वर्ड यूज़ होगा टू बैंक अकाउंट 6,000 इंटू 3 दैट इज 18,000. होपफुली इट इज क्लियर. नाउ अब अलॉटमेंट के पैसे मंगाए जाएंगे 2.5 रुपये के हिसाब से 3 लाख शेयर पे. सो 3 लाख इंटू 2.5 इट वुड बी 6,750,000. ओके, तो मंगाए जाएंगे तो एंट्री होगी. क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7,50,000. क्या हमें 7,50,000 रुपीज़ पूरे मिलेंगे, नहीं हमें पूरे नहीं मिलेंगे. क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एडवांस में अलॉटमेंट हमारे पास कितना पड़ा है 4,50,000. सो 7,50,000 माइनस 4,50,000 माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो बचता कितना है 3 लाख. सो ये 3 लाख शेयर्स 3 लाख रुपीज़ आपको मिलेगा. तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख एंड 3 लाख. नाउ फाइनल कॉल के पैसे मंगाए जाएंगे कितने रुपए, तो फाइनल कॉल के मंगा रहे हैं हम 2 रुपये, सॉरी फर्स्ट कॉल के मंगा रहे हैं हम 2.5 रुपये. ओके, तो 2.5 रुपये मंगा रहे तो फिर से अमाउंट सेम होगी और एंट्री भी सेम होगी. तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 750 एंड 750. पूरे पैसे मिल जाएंगे क्योंकि कोई इश्यू नहीं था कहीं पर भी. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 750 एंड 750. इस तरह से फाइनल कॉल 2 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपये मंगाए जाएंगे. तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 6 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपीज़. ठीक है, अब बैंक में आपको पैसा मिलेगा. तो बैंक में कितना पैसा मिलेगा, तो देखो एक व्यक्ति है उसका नाम है दक्षा.
उसने पैसे नहीं भरे, कितने शेयर्स पे नहीं भरे, 600 पे। सो 600 इंटू टू आपको 1200 रुपीज़ नहीं मिलेगा, 1200 नहीं मिलेगा, 6 लाख माइनस 1200, 5,98,800। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इज दैट क्लियर? नाउ अब उसके शेयर फोरफिट किए गए, फोरफिट किए गए तो क्या होगी एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये एंट्री होगी इस तरह से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। फोरफिचर अकाउंट में कितना, उसने 2 रुपये नहीं भरे, 8 रुपये भर दिए, तो 600 इंटू 8 4,800 टू फाइनल कॉल अकाउंट, 2 रुपये नहीं मिले थे वो, 1200। क्लियर है? अब वो फोरफिट किए, फोरफिटेड शेयर्स कितने में री इशू किए, तो हमने री इशू किया है 9 रुपीज़ पर शेयर, तो 9 रुपीज़ से एंट्री होगी। ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट 600 इंटू 9, 1 रुपये का डिस्काउंट वो फोरफिचर में से दिया जाएगा। शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट 600 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6,000। नाउ फोरफिचर हमने फोरफिट किए 4,800, डिस्काउंट दिया 600 का, अभी भी हमारे पास कितना पड़ा है, सो अभी भी हमारे पास 4,200 पड़ा हुआ है। सो 4,200 ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4,200 एंड 4,200 अल्टीमेटली लास्ट में कर दोगे टोटल, ये है आपका आंसर। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आ रहा है। नाउ 17 इलस्ट्रेशन देखिए। नूपुर लिमिटेड इशूड 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 100%। 100% मतलब 10 रुपया प्रीमियम हुआ। ठीक है, अमाउंट मंगाई गई एप्लीकेशन के टाइम 5 रुपये, अलॉटमेंट के टाइम 2 रुपये और प्रीमियम, प्रीमियम मतलब 10 रुपये, तो टोटल हो गया 12 रुपये। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2.5 टाइम, 2.5 टाइम मतलब कितना हुआ, तो 5 लाख का 2.5 टाइम मतलब 12,50,000 एप्लीकेशन हमें मिले। कितने, 12,50,000 एप्लीकेशन, आउट ऑफ विच 2/5 एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड फुल्ली, 2/5, सो 12,50,000 इंटू 2/5 अगर आप करोगे, सो 5 लाख एप्लीकेशन, 5 लाख एप्लीकेशन हमने क्या किए, रिजेक्ट कर दिए, क्या किए, रिजेक्ट किए, और बचे हुए 7,50,000 में से हमने 5 लाख को अलॉट किया। रिजेक्टेड फुल्ली, प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वर क्रेडिटेड टू द अलॉटमेंट मनी एंड स्टिल इफ एनी सरप्लस देन क्रेडिटेड टू द कॉल्स, राइट नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नूपुर लिमिटेड। तो पहली एंट्री होगी, देखो पहले तो कैलकुलेशन समझ लो, 100% प्रीमियम मतलब 10 रुपये हुआ, अब 12,50,000 हमें एप्लीकेशन रिसीव हुए, उसमें से 2/5 रिजेक्ट किए, सो 5 लाख हमने रिजेक्ट किया और 7,50,000 रखा, और उसमें से हमने अलॉट किए 5 लाख, मतलब 2,50,000 शेयर अभी भी हमारे पास हैं। सो 2,50,000 शेयर जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, अलॉटमेंट में। इज दैट क्लियर? देखो पहले एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 12,50,000 इंटू 5 रुपीज़ पर शेयर, 62,50,000, 62,50,000। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 62,50,000, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू 5 लाख इंटू 5, दैट इज 25 लाख, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000 इंटू 5, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हाँ अलॉटमेंट में रिमेनिंग चला जाएगा 12,50,000, 2,50,000 इंटू 5, एंड टू बैंक अकाउंट सरप्लस जो 5 लाख हमने रिटर्न किया है, सो 5 लाख आप रिटर्न कर रहे हो, क्यों रिटर्न कर रहे हो, आपको कैलकुलेशन समझा दिया गया था, तो 25 लाख आपने रिटर्न किया। अगर अभी भी समझ में नहीं आता तो कैलकुलेशन आप फिर से देख सकते हो, ये रहा देखिए हम रिटर्न कितना कर रहे थे, हम रिटर्न कर रहे थे 5 लाख, सो 5 लाख इंटू 5 करोगे तो कितना होता है, 25 लाख। इज दैट क्लियर? नाउ तो इस तरह से ये एंट्री होती है। अब चलते हैं अगली एंट्री की तरफ, क्या अगली एंट्री है, तो अगली एंट्री है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट के टाइम मंगाए गए हैं 12 रुपये टोटल 10 रुपये प्रीमियम के साथ, तो एंट्री होगी अलॉटमेंट की इस तरह से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 5 लाख इंटू 12 दैट इज 60,000, 5 लाख इंटू 2 दैट इज 10 लाख, 60 लाख, 10 लाख, एंड 5 लाख इंटू 10 दैट इज 50 लाख प्रीमियम। अब पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 47,50,000, 47,50,000। क्लियर?
अब आप फाइनल कॉल के पैसे मंगाओगे तो फाइनल कॉल के पैसे के लिए 3 रुपये। क्या ऐसा कोई है जो ना भरता हो? नहीं, सारे लोगों ने पैसा भरा है। तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी? फाइनल कॉल की एंट्री होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख x 3, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट 5 लाख 15 लाख x 15 लाख। सो होपफुली आपको ये सिंपल सा सम समझ में आ गया था। ठीक है, आपको होमवर्क नोट कर लीजिए। आपको होमवर्क जो है इलस्ट्रेशन 17 तक कंप्लीट होना चाहिए और एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर ये चैप्टर होता है पूरा। दो टाइप के क्वेश्चन मैंने नहीं चलाए हैं। कौन सा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट जब साथ में यूज़ करते हैं वो नहीं चलाया है, क्योंकि वो आने के चांसेस कम है और ऐसे भी 30% सिलेबस कट ऑफ होने वाला है। तो मेरे ख्याल से उस 30% में वो उस टाइप का सम जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो लास्ट में उसका सेपरेट वीडियो जो है वो मैं बना लूँगा। तो यहाँ पर चैप्टर मेरा पूरा होता है। इसका एक फिनिशिंग लेक्चर मैं ले लूँगा जिसमें MCQs या कुछ थियरी एक्सप्लेन कर दूँगा। और अगर किसी को कोई डाउट है तो डाउट का भी एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।